तो YouTube आपको हेल्प करता है 4000 घंटे को रीच करने में। हाय गाइस, मैं राहुल सूद एक बार फिर आप सबका अपने चैनल स्टार स्ट्रक एक्टिंग स्कूल में स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है और मैं आप सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से अभी हाल ही में इसी महीने 23 तारीख को मुझे मेरा पहला पेमेंट YouTube से मिला है। हालांकि वो बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन जो उस मोनेटाइजेशन के लगभग एक साल बाद जब आपको ये पहला पेमेंट मिलता है तो उसकी खुशी कुछ इस तरीके की होती है कि जब कोई कलाकार स्टेज पे जाता है और तालियों की गूंज जब उसे सुनाई देती है तो ये जो पेमेंट आता है, $100 का पेमेंट का मतलब है लगभग 7500 रुपये। वो डॉलर के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है, मगर जो जो उसकी खुशी है वो खुशी कुछ इस तरीके से ही है कि जब कोई आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, जो तालियों की गूंज उसे मिलती है, YouTube का जो पहला पेमेंट होता है वो बेसिकली आपको वही खुशी देता है। तो मैं आज का जो व्लॉग मैंने जो बनाया है वो मैं इसीलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे पहले अपने चैनल को मोनेटाइज करने में और उसके बाद पहला पेमेंट आने में मुझे क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा या मैंने क्या क्या किया, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ यूं कि मैंने लगभग 4 जुलाई 2011 को अपना ये चैनल स्टार स्ट्रक एक्टिंग स्कूल बनाया था और इसको बनाने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि उस दौरान मैं जयपुर के अंदर काफ़ी सारे ऑडिशंस कंडक्ट कर रहा था जो कि अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए थे जो बॉम्बे बेस्ड थे। हम लोग उससे पहले क्या करते थे कि हम लोग DVD में रिकॉर्डिंग करके उनको बॉम्बे भेजा करते थे जिसमें टाइम लगता था और कई बार वो DVD भी उन्हें नहीं मिलती थी। तो उसका एक इजी वे आउट हम लोगों ने ढूंढा कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक चैनल क्रिएट किया जाए जिसमें हम वो जो ऑडिशंस होते थे वो ऑडिशंस की रिकॉर्डिंग करके अनलिस्ट करके उनको हम लोग वो लिंक शेयर कर दिया करते थे, वो बहुत इजी हो जाया करता था। तो ये जो YouTube का चैनल था बेसिकली इसी लिए क्रिएट किया गया था। उसके अलावा इस चैनल के अंदर हमने कुछ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं डाले थे। कट टू हम सीधा 2018 में आते हैं कि वन फाइन डे मुझे पता चलता है कि YouTube ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी हैं। चेंज कुछ इस तरीके से करी है कि इट हैज़ बिकम वेरी हार्ड टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube। वो पॉलिसी 2018 में जो आई थी उस पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी बातें थी कि एक तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए पहली बात, और दूसरी बात वो सब्सक्राइबर्स के अलावा 4000 घंटे 4000 आवर्स वॉच टाइम भी होना चाहिए विद इन 1 ईयर। अब ये दोनों कंडीशंस बहुत टफ थी। तो 2018 में जब ये पॉलिसी चेंज हुई उस समय मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स रहे होंगे हार्डली कुछ 150 या 200 सब्सक्राइबर्स, और वॉच टाइम तो डेफिनेटली इतना होना भी नहीं था कि अब 4000 घंटे वॉच टाइम वो व्यू हो सकें। तो क्योंकि वीडियोस भी हमने कुछ बहुत ज़्यादा डाले नहीं थे और जो डाले थे वो अनलिस्टेड थे तो कोई देख नहीं सकता था उन्हें। लाइफ में हमेशा मैंने एक चीज़ हमेशा फॉलो करी है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो मैं हमेशा ऐसी कंडीशंस के अंदर चैलेंज लेना बहुत पसंद करता हूँ। तो 2018 तक तो मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया था, बट जैसे ही ये पॉलिसी आई मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं इसमें मोनेटाइज होकर के ही रहूँगा, क्योंकि मोनेटाइज की पॉलिसी चेंज होने से पहले $4 थे और जो इस पॉलिसी के बाद वो ज़ीरो हो गए थे। हालांकि उन्होंने सेफ उनको $4 को रख दिया था कि अगर जब भी आपका मोनेटाइज होगा तो ये जो $4 हैं वो एड बैक हो जाएंगे। तो मैंने जब ये पॉलिसी चेंज हुई और इसको एज अ चैलेंज लिया एंड आई स्टार्टेड सीरियसली वर्किंग ऑन इट कि भाई अब तो इसको मोनेटाइज करवाना ही है। आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और आपको मैं ट्रस्ट यू मी, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब 100 या 150 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो एक एक सब्सक्राइबर को
जोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, बिकॉज नोबडी इज वॉचिंग योर चैनल। आपके 100 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आपको वो जो 1000 सब्सक्राइबर्स जब आप करते हैं तो उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। मगर मैं आपको सीरियसली इस चीज़ का आगाह करना चाहता हूँ कि जो 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। खैर एनीवेज, तो फाइनली ये जो टारगेट था 1000 सब्सक्राइबर्स का, वो हमने जुलाई 2019 में अचीव कर लिया था। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचते हैं तो YouTube आपको हेल्प करता है 4000 घंटे को रीच करने में। 4000 घंटे, क्योंकि आपके पास ऐसा कंटेंट नहीं है कि पब्लिक उसको 4000 घंटे तक देखे, इतने सारे लोग देखें कि वो 4000 घंटे पहुंच जाए। तो उसमें YouTube, बिकॉज इट्स बेसिकली एनालॉग, तो वो कंप्यूटराइज जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपको एक पर्टिकुलर वीडियो को वायरल कर देता है। वो आपको ब्राउज फीचर कर देता है जिससे कि आपको वो 4000 घंटों को आप मीट आउट कर सकें। तो एक ये अच्छी चीज़ मैंने देखी कि वंस आई रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, तो उसके बाद YouTube ने आपके एक वीडियो को वायरल कर दिया और आपने वो जो दूसरा मिटिगेंट है उसको भी आपने मीट कर लिया। ऐसे करके अगस्त 2019 में मैंने अपना चैनल को मोनेटाइज करवा लिया। उसके बाद आप ये इमेजिन कर लें कि मेरे को लगभग एक साल लग गया पहला पेमेंट आने में, यानी कि $100 इकट्ठे होने में मेरे को लगभग एक साल लग गया। तो इस वीडियो का बनाने का जो मेरा पर्पस था या पर्पस है, वो यही है कि जितने भी यंग यूट्यूबर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पेशेंस रखें और हिम्मत रखें तो आपको डेफिनेटली यूट्यूब अच्छा पेमेंट देगा। लेकिन आप अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे या आप ये सोचेंगे कि यार बहुत कम टाइम में मैं अचीव करना चाहता हूं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि मेरे को लगभग 2 साल लग गए। पहले तो 1 साल लगा मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने में, और उसके बाद मुझे लगभग 1 साल लग गया पहला पेमेंट आने में। आगे की जो फ्यूचर में क्या क्या होगा मेरे साथ या और मेरे को पेमेंट्स किस तरीके से मिलेंगे, वो मैं आपको अपने आगे के वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपका जो चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है और जब आप $100 के करीब पहुंचने लगते हैं, तो YouTube जो है वो आपको एक पिन भेजता है। वो पिन आपके मेलिंग एड्रेस पे होता है। जब आप एडसेंस में अपने आप को एनरोल करते हैं मोनेटाइज होने के बाद में, तो जो एड्रेस आप वहाँ पे डालेंगे उस एड्रेस पे एक YouTube आपको एक लेटर भेजेगा जिसके अंदर एक पिन लिखा हुआ होगा। वो पिन आपको उस एडसेंस अकाउंट में डालना पड़ता है। वो डालने के बाद फिर आपको आपका एड्रेस जो वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद फिर YouTube आपको अकाउंट्स, आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स मांगता है। तो वो डिटेल्स आपको उसमें फिर उसके बाद डालनी पड़ती हैं, और वो जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपका पेमेंट इमिजिएटली आ जाएगा। इसमें भी एक प्रॉब्लम हुई कि मेरा जब चैनल $100 के करीब था, तो मार्च के महीने में YouTube ने मुझे वो पिन जो है मुझे मेरे एड्रेस पे उन्होंने बाय पोस्ट भेजा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही उन्होंने मुझे भेजा, लॉकडाउन हो गया और मेरा ऑफिस का एड्रेस मैंने दिया हुआ था और पूरी बिल्डिंग हमारी जो थी वो सील थी, इसीलिए वो लॉकडाउन होने के कारण वो पिन मेरे को मिला नहीं। उसके बाद 4 महीने बाद जब मेरा उन्होंने अकाउंट एड्स आने बंद हो गए, क्योंकि इसमें टाइम होता है कि जब वो पिन आपको विद इन 4 मंथ्स डालना होता है उस एडसेंस अकाउंट में। अगर आपने वो 4 महीने के अंदर वो पिन नहीं डाला तो वो आपके 4 महीने बाद एड्स आने बंद हो जाते हैं। तो जब तक मुझे पता चला, तो मैंने उसके बाद गूगल को अपना एड्रेस चेंज करके अपने घर का एड्रेस दिया। उसके एड्रेस चेंज करने के बाद दोबारा से पिन की रिक्वेस्ट की, उसके करीब 14 या 15 दिन में मेरे घर पे वो बाय पोस्ट पिन आया, वो डाला। उसके बाद मैंने अपने कंपनी का प्रोफाइल और अपना एड्रेस प्रूफ उसके अंदर अपडेट किया, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स उसके अंदर डाला, तब जाकर के ये पेमेंट मुझे मिला। और इसकी खुशी जो है वो मैं आपको वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि
जैसा मैंने पहले बताया कि ये मॉनेटरी खुशी नहीं है, ये आपके दो साल की हार्ड वर्क की खुशी है. तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल ऑल द यंग यूट्यूबर्स कि आप पेशेंस रखें, अच्छा कंटेंट डालें, रेगुलर कंटेंट डालें, तो आप शायद मेरी तरह दो साल नहीं और जल्दी भी अपने चैनल को मोनेटाइज के साथ साथ पेमेंट भी अर्जित कर सकते हैं. बस रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ 100 meter स्प्रिंट. इसी नोट पे मैं अपना ये आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें.